अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी सेला, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग. जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. आई गेस ये मेरा थर्ड सेशन हो रहा है आप लोगों के साथ. एक ब्रीफ इंट्रो मतलब मैं देना चाहूंगा. पहले मैम फसिया का थैंक यू. बेसिकली she taught me in my graduation back in 2011-12 इंटरनल जज के तौर पर भी पर्सनली आया हूँ. तो बहुत अच्छा आप लोगों के साथ एक है. तो सबसे पहले मैं एक आप लोगों को बताना चाहूंगा जो इंटेक के बारे में. इंटेक बेसिकली हम मेनली गेम्स पे काम कर रहे हैं. इंटेक स्टूडियो और दो डोमेन्स हैं, इंटेक सॉल्यूशंस भी है. और इसके साथ साथ हम कवर कर रहे हैं बेसिकली कुछ मोबाइल एप्लीकेशन नेटिव में वेबसाइट, लेकिन मेन जो हमारा फोकस है वो गेम्स में है. तो नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटेक के बता रहा हूँ कि बैक इन 2014 हमने शुरू किया, ठीक है. और मेनली जो हमारा मोटिव है वर्क टुगेदर, अचीव टुगेदर. हम बिलीव करते हैं विनिंग टीम्स में, ठीक है. विनिंग टीम क्योंकि मेरा अपना भी पिछले तकरीबन 6.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद जॉब की हुई है सीनियर डेवलपर, ठीक है, नेटिव में. और मैं ये समझता हूँ कि जो आपका एक टीम मेंबर होता है, ठीक है, वो एक विनिंग रिसोर्स होता है. और एक विनिंग टीम ही आपको बेसिकली सक्सेस देती है प्रोजेक्ट में, एज अ कंपनी की ग्रोथ में. तो मेनली हमारा फोकस इसमें है. और आवर फील्ड ऑफ वर्क में हम 2D 3D गेम्स कवर कर रहे होते हैं. VR AR MR पे भी हम काम कर रहे करते हैं, किया हुआ हमने, ठीक है. और बाकी सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रो देना चाह रहा हूँ इसमें के एज अ मतलब ऑनर ऑफ स्टूडियो, ठीक है. अभी पिछले दिनों पेंडेमिक, बल्कि अभी भी पेंडेमिक ही चल रहा है, उसी की वजह से हम जूम मीटिंग पे आए हैं. वरना लास्ट जो हमारा था सेमिनार वो तो आपके हाउस हुआ था यूनिवर्सिटी में. तो एक चीज जो मैं आपको इस पे बताना चाह रहा हूँ मेन ये भी है कि जो हमारा बेसिकली पेंडेमिक है, ठीक है, अगर मैं फ्रेंकली इंटेक का बताऊँ तो वी ग्रो इन पेंडेमिक, ठीक है. हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया, सारे जो एम्प्लॉयबल के हमने और हायरिंग की है, ठीक है. तो कहने का मकसद है कि जैसा हमारा एक टॉपिक है यूनिटी गेम डेवलपमेंट, तो जो गेम्स हैं उनकी अगर हम देखा जाए पेंडेमिक में ग्रोथ बढ़ी है, ठीक है. ज्यादा यूजर्स आए हैं खेलने के लिए और मतलब अराउंड कोई 30-70% उसका बढ़ा है. और जब आपका एक आस्किंग रेट बढ़ेगा तो गरीब बात है अपॉर्चुनिटीज भी होंगी. तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम वर्क फ्रॉम होम भी करते रहिए पूरी टीम और सारी चीजें. तो जिसमें आप सब लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, CS कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी आप लोगों ने चूज किया CS. और आगे आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है ना. ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हर चीज के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं. और इसमें गेम को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा एज अ पाकिस्तान में, क्योंकि हम देख रहे होते हैं बाकी स्टूडियो भी जो पाकिस्तान में स्कोप है वो आहिस्ता आहिस्ता गेम की तरफ आ रहा है, ठीक है. और इसमें ये कि हमारे पास जो पूरी की पूरी एक मतलब कहा जाता है कि जी क्लोनिंग कर रहे होते हैं और मतलब बहुत कोई खास जॉब नहीं है. तो ये कही जाए कि जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और कोई कहता है कि जी मैं iOS नेटिव में हूँ, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाता है. कहते हैं जी मैं यूनिटी पे हूँ, वो कुछ एक आइडिया मुझे भी है, वो कहते हैं अच्छा यूनिटी पे हो तो मतलब तुम तो क्लोन ही करते होगे. तो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है. एज अ यूनिटी, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है. अगर इस पे हम देखा जाए हमारा तो बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ हुआ है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है. इवन मैं मतलब स्टेट्स की अगर बात करूँ तो दुनिया में अभी तक जितनी गेम्स आपकी रिसेंटली बन रही हैं जो हिट गेम्स हैं, तो हाफ जो है वो यूनिटी में ही बने हुए हैं. कितना मेच्योर है ये. और उसमें नेक्स्ट स्लाइड. इसमें जिस हिसाब से मैंने एक गेम की, ये कॉल ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, एक बहुत फेमस गेम है. इसका जो बेसिकली ये यूनिटी में बनी हुई है. अब ये बेसिकली इसका देखा जाए स्टेट्स तो 500 मिलियन डाउनलोड्स, ठीक है, 1 मिलियन इन प्लेयर स्पेंडिंग सिंस 2019 में. मतलब ये एक साल की इनकी है. यहाँ से मैं आइडिया हो सकता है कि एक अच्छा एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है कि जो बड़ी गेम है जो परफॉर्मेंस मांगती है, ठीक है, वो बेसिकली यूनिटी चूज करें डेवलप करने में.
मैं दोबारा बात को, क्योंकि हम एज अ पाकिस्तान में, हमारे भी पाकिस्तानी स्टूडियो, आप लोगों की भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है, तो मैं बाकी फिगर्स भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों का एक फेज है कि आप लोगों ने आगे अपना सिलेक्ट करना है। कुछ मेरे ख्याल स्टूडेंट्स जो मुझे पता चला है 5th से ऑनवर्ड हैं, मतलब आपके 1.5 साल, 2.5 साल हैं, तो लोग यूनिटी सिलेक्ट ही नहीं करते कि नहीं यार गेम एक तो आता है स्पेक के बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, उसमें एनिमेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो कहते हैं ये हम लाइब्रेरी सिस्टम बना लेते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, बहुत करे तो आगे उसके एंड्रॉइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि तकरीबन, या शायद मैं कहूँ जो एक्सपीरियंस आपके और अच्छे रिसोर्स हैं यूनिटी के, बहुत कम है इंडस्ट्री में पाकिस्तान में, ठीक है। इवन हम खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब हम एक लड़के को हायर करके उससे फिर उसका काम करवाना करना, और उसकी अगर सैलरी पैकेज देखा जाए तो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट ही चार्ज कर रहे हैं जो कि आपके बाकी में कर रहे हैं। और इसमें एक चीज जो मैं समझता हूँ, जो कि मेरा भी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो एक यूनिटी की 2D गेम थी, ठीक है, मैम फसिया जानती हूँ, हमारी एडवाइजर थी उस टाइम पे बैक इन 2012। तो मतलब उस टाइम पे एंड्रॉयड और आईओएस बेसिकली नाम सुनने में आ रहे थे, मैंने मेरे ख्याल से कोई 3G आईफोन लिया था, ठीक है, समथिंग लाइक एक मोबाइल लवर था मैं, ठीक है, नोकिया एन सीरीज बहुत रखे थे, लेकिन मैंने कहा ये क्या टच मोबाइल आ गया है, ठीक है। तो हमें किसी ने कहा, सीनियर ने, कि यार एंड्रॉयड को भी देखो और आईओएस को भी देखो, तो हमने इस पे गेम बना ली। नो डाउट वो गेम में अब मुझे मतलब कहने में शर्मिंदगी तो नहीं हो रही, हमने उठाई थी कहीं से कोड और उस पे थोड़ी सी एडिट करके समझा था, लेकिन उस चीज पे बेसिकली लेके के हमें फिर हुआ कि भाई यूनिटी भी कोई चीज है, ठीक है ना, ये भी कुछ कर सकती है, और साथ साथ मतलब इस बात को भी तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो इवॉल्व किया है उसने। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें एक तो जो मैं टॉपिक बेसिकली बताना चाह रहा था कि जो हमारा सारा एक मैं क्योंकि मैं अभी टेक्निकल नहीं जा रहा, ठीक है, टेक्निकल मैं थोड़ी देर बाद हैंड ओवर कर लूंगा, मेरे एक डेवलपर हैं बहुत अच्छे, ठीक है, इंटेक के, हैदर तारिक, वो उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। और इस पे मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं कि एक मुझे, क्योंकि ऐसा मैं खुद स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, एक बंदे के दिन में होता है कि मैं क्या ज्वाइन करूँ, किस जगह जाऊँ मैं, कौन सा प्रोजेक्ट पकड़ूँ मैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको यूट्यूब में अगर आप देखना शुरू करें तो हर चीज के ट्यूटोरियल स्क्रैच से लेके पूरे आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई आपकी वो चीज नहीं है। और इसमें मैं सुजेस्ट करूंगा कि गेमिंग की तरफ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक है, और जो एनिमेशन चीजें हैं, यूनिटी इटसेल्फ बहुत एक पावरफुल टूल है, ठीक है ना। इस पे अगर आप देखते हैं तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन बेसिकली, इस पे आपका, आप इस पे एक ही कोड करके मुख्तलिफ निकाल सकते। जी, आई गेस कोई क्वेश्चन कह रहा है, सही, सॉरी। तो इसमें बेसिकली आपकी यूनिटी इंजन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्रिएटिविटी कैपेबिलिटीज, और इसमें सी शार्प में प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, आपकी शेडर्स होती हैं, चीजें होती हैं, इस पे डिटेल में आगे तारिक हैदर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ यूनिटी की, अब यूनिटी में जिस तरह आप ये स्लाइड में आप देख रहे होंगे, हमने पहले मैंने आपसे शेयर किया कॉल ऑफ ड्यूटी गेम यूनिटी में बनी हुई है, मैं आ गया हूँ कोई 3D गेम, 2D गेम, या सबवे सर्फर, ये बहुत फेमस गेम रही है। तो यूनिटी का जो स्कोप है वो मतलब कुछ छोटा नहीं है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि यूनिटी का आप बड़े से बड़ी एक कंसोल बेस्ड गेम भी जो है वो आप उसमें बना सकते हैं, वो भी कोई गलत चीज मैं नहीं कहूँगा, ठीक है ना। उसमें आपका मतलब कंसोल बेस से लेके आपकी एक फास्ट प्रोटोटाइपिंग, जिसको हम मतलब हाइपर कैजुअल गेम्स कहते हैं, जो कि 5 दिन में एक गेम रेडी हो जाती है, वो ये प्रोवाइड करते हैं। इस ना ये आप देख रहे होंगे परफेक्ट स्लाइस की एग्जांपल आ रही है बीच में एक, जो कि सिर्फ क्या है कि आपकी कटिंग मतलब टैप टैप कर रहे हैं और ये हो रहा है। दूसरा, इसमें आपकी इवन एनिमेटेड वीडियोस तक बना सकते हैं, इसकी इतनी मतलब स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहता हूँ कि जॉनर एक आपके लिए एक पूरे का पूरा एक एनवायरमेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो एक गलत चीज नहीं होगी। आप इवन एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड एड्स, एनिमेटेड गेम्स, ठीक है, कंसोल बेस, ठीक है, एक्सबॉक्स के लिए, PS4, 5 के लिए, ठीक है, मोबाइल के लिए। और एक चीज जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह आपका मोबाइल जो डिवाइस है, जिस तरह फास्ट से फास्ट आईफोन 12 आ गया है, तो वहां पे आपका
बाकी जो एंड्रॉयड फोन है कि अब आपकी बहुत ज्यादा मार्केट जो है गेमर्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स मोबाइल फोन। ठीक है, अब जो भी इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी पहले अभी कंसोल पे थी उनको बनानी पड़ी, ठीक है ना, मोबाइल पे। और क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा मार्केट जो है वो आ रही है कि जी एक हम इतना बड़ा लैपटॉप पे बैठ के क्यों ना एक मोबाइल लो, आपके पास 5G है, वाईफाई आपको हर जगह एक्सेसिबल है, तो ये आप बेसिकली उस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें जो सी शार्प यूज हो रही है, एज अ सी एस स्टूडेंट मुझे पता है कि आप लोगों ने डिजाइन पैटर्न भी पढ़े होंगे या पढ़ने होंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि बाकी, क्योंकि एज अ मैं खुद नेटिव मैंने डेवलपमेंट की भी है उसकी, शायद उससे आसान होगी। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ ये एक चीज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि मैं समझता हूँ कि एक, क्योंकि हमारे पास जो स्लॉट आते हैं, जो इंटरव्यूज के फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं, ठीक है, अब उनके पास आके मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू करके ये चीज पता चलती है कि यार मतलब सर यूनिटी यूनिटी में हमने काम नहीं किया, उसकी जॉब पता नहीं है या नहीं है, ठीक है, और हमें वेब डेवलपमेंट आती है, हमें वो आता। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वेब डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, या इवन आईओएस की नेटिव या वो होगी, उनसे हमें बाहर निकल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिटी में आप सिर्फ गेम नहीं, आप गेमिफाइड ऐप भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक आपका बहुत बड़ा एक स्कोप है, और मैं सिर्फ यूनिटी को इसलिए भी नहीं कह रहा कि यूनिटी पे सारे आ जाए और बाकी छोड़ दे, हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन एज अ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यूनिटी गेम डेवलपमेंट है और एज अ स्टूडियो मतलब को फाउंडर मैं इस पे इसलिए फोकस ज्यादा कर रहा हूँ कि इस पे हमें थोड़ा सा जो है ना वो एक आप लोगों को बता सकूं कि भाई इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। अभी आजकल मतलब रिसेंटली हमने एक जॉब पोस्ट डाली हुई थी लिंक्डइन पे, मतलब बंदे शॉर्ट हो गए हैं, मतलब यूनिटी पे जो है इनफैक्ट हमें कोई अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है उसको हमें खुद से ट्रेन करना पड़ रहा है। और आजकल मैं समझता हूँ अगले 1-2 सालों में जो लोग यूनिटी एज अपना प्रोफेशन चूज करते हैं उनको काफी मौके मिलने वाले हैं, कि आप समझो कि माइट बी आपको अच्छी एक स्टार्टिंग आपकी सैलरी शुरू हो सकती है। और नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें मतलब एज अ सी एस स्टूडेंट मतलब एक बहुत एक क्वेश्चन होता है कि जी मस्ट लर्न यूनिटी, ठीक है, अगर आप उसको परस्यू नहीं करते कैरियर, आप कहते हो कि भाई व्हाई यूनिटी व्हाई नॉट पाइथन, तो मैं समझता हूँ कि यूनिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, तो इसको आप लोग सीख सकते हो, ठीक है, तो आपको ये मतलब हेल्प आउट करती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कभी अपना कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई आपको एनिमेशन चाहिए या आपने कोई वीडियो एक करनी है या आपने कोई रेंडर करना है या आपने कोई चीज करनी है, तो आपको इन फ्यूचर वो करती है। और अगर आप यूनिटी आप इस पे करते हो तो एक चीज मतलब जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे यूनिटी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, आईओएस का है या एंड्रॉयड का है या वेब का है या मतलब आपका यूनिटी का है, तो एक तो हम मतलब कह लें कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि यार हम एक उस फील्ड में हैं जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज है। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक अच्छी पे ले रहे हैं, और अगर आप वही कोई बाहर आपको कोई यूनिटी डेवलपर की या किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी टेक्नोलॉजी की जॉब आती है, तो आप वहाँ पे इजीली स्विच कर सकते हैं, और आपका एक इंटरव्यू होता है, वो होता है, ये नहीं होता कि यहाँ से आपने एमबीबीएस किया फिर आप बाहर जाते हो फिर आपको कुछ उसके सर्टिफिकेट और वो चीजें लेनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह कि आपका यही जो एक्सपीरियंस है ये काउंट होता है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं और बाहर रिकग्नाइज है, क्योंकि मेरे अपने पिछली जब मैंने जॉब करता था मेरा एक क्लास फेलो था मतलब उसने यहाँ से ही अपना इंटरव्यू दिया और ही गॉट सिलेक्टेड इन रॉकेट इंटरनेट बर्लिन जर्मनी, ठीक है, दो मेरे जूनियर थे आईओएस टीम में जब मैं जॉब कर रहा था, और गॉट सिलेक्टेड इन स्वीडन में जॉब कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हम चीज सीखें अच्छी सीखें, ठीक है, मतलब उसमें परफेक्ट हों, ठीक है, और आपकी अपॉर्चुनिटी और चीजें बहुत ज्यादा हैं आगे, ठीक है इसमें। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी नहीं बाय तो कुछ नहीं है, तो ये कहने का मकसद है कि जो हमारी आप डिग्री कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी है, किसके आगे मार्केट वैल्यू है जो कि रहेगी, क्योंकि इनहांस ही हो रही है, क्योंकि हर चीज मेडिकल होगी, आपकी हेल्थ केयर बहुत बेटर इस तरफ आ रहा है, आपका VR AR बहुत सारी चीजें आपकी इसमें आ रही है। दूसरा मैं दोबारा आता हूँ इस पे कि यूनिटी में आप मतलब एक तो गेमिंग आप मतलब अपॉर्चुनिटीज है गेमिंग वर्ल्ड में कि आप एज अ डेवलपर और एज आप इवन एनिमेशन कर सकते हो उसमें, ठीक है, टीचिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन आप फ्रीलांस कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। और अब यूनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसा ये कंसोल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इस पे निंटेंडो स्विच, निंटेंडो एक बहुत मतलब पुरानी और बहुत एक अच्छी
गेमिंग कंपनी और कंसोल है, पीएस वीटा, PS4, अब ये सारी चीजों को बेसिकली यूनिटी सपोर्ट करता है। मतलब सिर्फ हम यूनिटी पे मोबाइल या मतलब iOS एंड्रॉइड के लिए गेम नहीं बना रहे, हम इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और अब जो आगे आपका एक मतलब मैं समझता हूँ जो कुछ शुरू हो भी चुका है, लेकिन जो अगले मतलब डिकेड है, ठीक है, ये यही डिकेड जो है, ठीक है, ये XR जो है आपका, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है आपकी हर चीज में। ठीक है, अब AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, इनफेक्ट मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर तो अभी नहीं हो सकते, वरना मैं ये सवाल शायद मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि किसी को फर्क पता है मार क्या चीज है। तो इसमें मैं ये बता दूं आपको कि इन चीजों को भी यूनिटी सपोर्ट कर रहा है। आपकी हाई एंड डिवाइसेस हैं, ऑकुलस है, ठीक है, आपको होलोलेंस है, ठीक है, उसपे उसके साथ आप यूनिटी की जो है वो आप मतलब कर सकते हैं, एक मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं यूनिटी पर रहते हुए इन डिवाइसेस के लिए। और ये बेसिकली आगे फ्यूचर है कि आपका सिर्फ एक गेम कोई मतलब उसके लिए ही स्कोप लिमिट नहीं कर रहे हम, ठीक है, इसके आपके पास एक बहुत बड़ा आगे मतलब एक स्कोप है गेम यूनिटी के अंदर ही, कि आप AR, VR, MR में चले जाएं, ठीक है, आप मतलब गेमिंग में चले जाएं, एनिमेशन में चले जाएं, एनिमेटेड वीडियोस में चले जाएं, मूवीज में चले जाएं। तो ये एक चीज है जो कि इसकी एक है कि हम इससे काफी कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, कि आपको एक ही कोड करना पड़ेगा और आपको iOS, एंड्रॉइड, ठीक है, कंसोल की, डेस्कटॉप की और वेब की आपको बिल्ड मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इस पे बेसिकली एक चीज एज अ स्टूडियो ऑनर और को फाउंडर में एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इनटेक हमेशा UMT के स्टूडेंट्स के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। और मैं मतलब जिस समय फंसी है कुछ लोग, हम लोग एक अच्छे टैलेंट की तलाश में रहते हैं, मतलब थ्रू मतलब पूरे साल ही। और हमें होता है कि जो अच्छे से अच्छा एक शार्प कोडर है और जो यूनिटी की तरफ पैशनेट है, करना चाह रहा है, तो उसको हम इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। और इसमें कोई भी इंटर्नशिप के लिए यूनिटी में करना चाहता है, मैडम फसिया से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंटर्नशिप की डिटेल अगेन डिपेंड अपॉन कि शुरू में आपको हम टूल पे एक चीज हमारा होगा कि जो हमारी टीम है, हमारे डेवलपर्स हैं सीनियर, और वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है, लर्निंग पावर आपकी है, ठीक है, क्योंकि आप पूरा एक पढ़ के आ रहे हैं, आपके उन फाइनल प्रोजेक्ट में हम हेल्प आउट कर सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे रिसोर्स मतलब साबित हो रहे हो, तो हम आपको एक प्रॉपर मतलब आपको जो ग्रेजुएशन हायर भी हम कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो तो मैं फसिया से मतलब करें कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब मैं जी सीधा हैंड ओवर कर रहा हूँ हैदर तारिक को। ये थोड़ा सा ये हमारे एक डेवलपर हैं बहुत अच्छे, मतलब इनके बारे में बताऊं कि ये ही गेस ही स्टडीड इन US, ठीक है, और ही इज वेरी पैशनेट इन गेमिंग और ही इज डूइंग वेरी वेल। ओवर टू यू हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू गाइस हियर मी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन सर इरफान। मैं भी अभी रिसेंटली ना इस करियर में आया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करने करेंगे आप इस करियर में, और क्या यूनिटी कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा तरीके से। तो ज़्यादातर आपको बस ये सवाल भी ये होगा कि यार वाई यूनिटी, मैं यूनिटी क्यों जाऊँ, देयर मल्टीपल अदर इंजन्स जिसमें आप जा सकते हैं। पर यूनिटी का ये फायदा कि यूनिटी अगर आप स्पेशली बिगिनर अभी आप स्टार्ट करने लगें करियर, तो काफ़ी आसान है पिकअप करने के लिए, काफ़ी आसान है कि आप उसमें से ना लर्न कर सको। आप काफ़ी इजी इंटरफेस है आपके पास, सामने सारी चीज़ें नज़र आती हैं आपने कैसे यूज़ करना है उसको। और उसका उसका फ़ायदा ये है कि आप मतलब एक झिझाहट होती है ना शुरू में कि यार मैंने ये करूँगा तो बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। यूनिटी का ये फ़ायदा है कि आप काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी है और काफ़ी इजी टू लर्न है। फिर उसका ये फ़ायदा है कि जब आप डेवलपमेंट साइड पे आप देखो तो यूनिटी आपको ना रैपिड प्रोटोटाइप टाइपिंग करने देता है बड़े आसानी से। तो फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ थोड़ी सी गेम बना रहे हो, आपने जल्दी से देखना है कि यार इसकी फॉर एग्जांपल एक प्लेयर की मूवमेंट है, आपने यार देखना है कि ये मूवमेंट की स्पीड इतनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। तो आप गेम के प्ले करके ही आप वैल्यूज इंस्पेक्टर के थ्रू चेंज कर सकते हो और वही लाइव अपडेट हो जाती है आपकी। तो आप बड़े आराम से जल्दी से देख सकते हो कि यार आपका इफेक्ट क्या है उन वेरिएबल्स का, कि यार मुझे कितनी चीज करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह अपना यूनिटी में काफ़ी जल्दी से प्रोटोटाइप कर बना सकते हो।
फिर उसका एक और ये फायदा है यूनिटी का कि क्योंकि मोस्टली होते हैं प्रोग्रामर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं डिजाइनर्स होते हैं, बहुत कम होता है कि एक बंदा पूरा कवर कर रहा हो स्पेशली इंडस्ट्री लेवल पे। तो ऐसे स्टोर का ये फायदा है कि आप उधर एक तो बहुत बड़ा ऐसे स्टोर है, आप में हर चीज़ मिल जाती है आपको, आपको अगर आप प्रोग्रामिंग में वीक हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप आर्ट में वीक हो डिज़ाइन चाहिए आपको ऐसे चाहिए तो वो आपको प्रत्याशा मिल जाएंगे फ्री और आप पेड भी मिल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऐसे स्टोर है जिसमें से आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो और हर वक्त ये अपडेट नई चीज़ें कॉन्टेंट डालते रहते हैं इसमें, यूनिटी का ये बड़ा फ़ायदा है। फिर ये एक और फायदा है कि इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी हुई है और इसका आप फॉर एग्जाम्पल सर्च करें अगर फॉर एग्जाम्पल गूगल में हाउ टू मूव प्लेयर, तो यूनिटी वगैरह ना लिखें या प्रोग्रामिंग कुछ भी ना टाइप करें, आप बस लिखें हाउ टू मूव प्लेयर, तो आपके पहले या दो सर्चेस में आपको यूनिटी का ट्यूटोरियल आ जाएगा, यूनिटी की हेल्प आ जाएगी। तो इस तरह अगर आप शुरू शुरू में ना तो आपको बड़ा आसान हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़े आसानी से मिल जाती हैं इसके सोल्यूशन। और फिर जैसे उनका है कि ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग साइट का नहीं है, यूनिटी यूनिटी के अंदर टूल्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं प्रोग्रामर्स के लिए, तो बहुत अच्छे बने हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप अपना लेवल डिज़ाइनिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो 2D में भी 3D में भी। तो अगर यहाँ पे कोई आर्टिस्ट की साइट पे है थोड़ा बहुत, जैसे मैं था, मैं शुरू में आर्टिस्ट की साइट पे था फिर मैं प्रोग्रामिंग में आया था और उन दोनों को कंबाइन करके फिर मैं गेमिंग की तरह आया हूँ, तो ये यूनिटी आप उस तरह भी जा सकते हैं। अगर आपने फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग नहीं करनी तो आप आर्टिस्ट आर्ट साइड पे भी यूनिटी में बड़ा अच्छे और बड़ी डिमांड है उसकी भी, लेवल डिजाइनर और आर्टिस्ट की भी इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो इसका जो इसमें अब मैं करूँगा बात के गेम डेवलपमेंट का स्कोप क्या है पाकिस्तान में। ग्लोबली तो हमें पता है काफ़ी काफ़ी गेम्स लोग खेलते हैं, हमारे पाकिस्तान में क्या सीन है? अब पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में बहुत बूम आया हुआ है इस मोबाइल स्पेशली मोबाइल गेमिंग का, बहुत बड़ी मार्केट जल्दी से ग्रो हो रही है। अभी जैसे एक स्टैट है ये 69% ऑफ पाकिस्तान एडल्ट्स, नॉट ओनली किड्स, एडल्ट्स आर आल्सो प्लेइंग गेम्स मोबाइल्स की। और तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी अभी बहुत एक्टिव हुई हुई है मार्केट इसकी, और इसके वजह से ही जैसे सर इरफान ने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत खुली हुई हैं और इंटर्नशिप भी बहुत ऑफर हो रही हैं, इवन हमारे इंटेक में भी ऑफर्स चल रही हैं इंटर्नशिप वगैरह की। तो अभी अभी अगर आप लोग इस पोजीशन में हैं तो आई थिंक आप स्टार्ट करने लगे हैं इसकी तरफ, इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिल रही हैं। अभी कुछ साल पहले अगर मैं देखता तो इतनी नहीं थी जितनी आजकल अब ये अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। बड़ा अच्छा टाइम है इसका जॉब का और इंटर्नशिप के लिए इस फील्ड में। फिर ये है कि ये पाकिस्तान में हमें ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यार बड़ा छोटा छोटे स्केल पे काम हो रहा है, बड़े बड़े हम स्टूडियोज़ के साथ जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो टॉप कंसिस्टेंटली टॉप चार्ट्स में आती हैं उनकी गेम्स, फॉर एग्जांपल ये जिंगा है, रॉलिक है, ये लायन स्टूडियोज वुडू, ये सारे पाकिस्तान में इनके साथ कोलैबोरेशन होती है। इवन हम इंटेक ने रोलिक के साथ हम करंटली काम कर रहे हैं और आई बिलीव लाइन स्टूडियोज के साथ भी किया हुआ है, क्रेजी लैब्स के साथ भी किया हुआ है और आई इवन वूडो के साथ किया हुआ है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे कोई छोटा काम हो रहा है या वो नहीं, इंटरनेशनली रिकोगनाइज यहाँ पे भी काम हो रहा है, यहाँ से भी गेम्स पब्लिश हो रही हैं और स्पेशली हाइपर कैजुअल गेम्स जो कि मैं थोड़ा डिटेल में बाद में जाऊँगा, वो बहुत बहुत हाई उसकी डिमांड हो रही है, बड़ा राइज पे है वो। फॉर एग्जांपल ये जैसे गेम्स हैं आपके राइट साइड पे स्क्रीन पे, ये टॉप 7 गेम्स हैं जो पाकिस्तान में खेल रही हैं अभी रिसेंटली। अब ऑलमोस्ट सबको तो पता होगा सब सरफेस का, उसके बाद देखें बाकी सारी हाइपर कैजुअल गेम्स हैं, इस सारी जो टाइटल्स हैं टॉप में ये हाइपर कैजुअल गेम्स हैं। इसमें जो अभी ये है 7th प्लेस में है चैलेंज रिसेंटली जो रॉलिक के साथ है, ये उनकी काफ़ी हाई आई है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि बड़े अच्छे स्केल पे काम हो रहा है पाकिस्तान में भी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं टू गेट टू द टॉप चार्ट्स। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा हाइपर कैजुअल गेम्स में बता दूँ, क्योंकि
थोड़ा सा ये अनोन अनोन फील्ड है, स्पेशली मोबाइल साइट पे शायद खेली तो हूँ गेम्स, पर एज अ टर्म थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ हाइपर कैजुअल गेम्स क्या होता है। हाइपर कैजुअल गेम्स में बेसिकली आप बिल्कुल एक सिंगल कोर मैकेनिक को लेकर चल रहे होते हो, आप उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड आपके कंट्रोल्स नहीं होते, बिल्कुल एक एक टैब वन टैब वन वन स्लाइड का कंट्रोल्स होते हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स नहीं होते मोस्टली, ताकि सिंपल रहे बहुत। और फिर होता है कि स्नैकेबल कंटेंट होता है, बेसिकली आपके 30 सेकेंड्स में यार आप वो गेम एक स्टेज ख़त्म कर लो, यानी कि आपको बहुत देर लग रही हो और सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग फीलिंग उसमें आनी चाहिए। और फिर ये होता है कि एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है सिस्टम वन का, बेसिकली कि ऐसा ऐसा हो गेम हो जो आप को ट्यूटोरियल देने की ज़रूरत ना पड़े, वो इंट्यूटिवली आप बंदा उसकी बेसिकली एक स्क्रीन देखे उसको समझ आ जाए कि मैंने क्या करना है, ये ना हो कि यार उसको ट्यूटोरियल देके कंट्रोल ऐसे खेलने आज ये चीज़ें आएंगी ये करना है, तो ये हम फोकस करते हैं कि यार ये हम अचीव कर सकें। और फिर थोड़ा काउंटर वो है कि ज़्यादातर गेम्स होती हैं कि आप एक अपील देखते हो मार्केट पे, यार ये इसको हम फोकस करेंगे इस मार्केट के पीछे जाएंगे, ये एक हाइपर कैजुअल गेम्स पे ना मास अपील है, हम देखते हैं कि जितनी ज़्यादा लोग खेल सकें उसको हम फोकस करते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार ये इसकी एज इतनी इतनी वाले एज को हम खेलेंगे या इतने वाले को नहीं के लिए हम नहीं बना रहे, या मेल्स के लिए बना रहे फीमेल्स के लिए नहीं बना रहे, तो हम जनरली देखते हैं कि सब के लिए हम कैसी बना सकें गेम जो सब खेल सकें। फिर इसका ये है कि ये जो हाइब्रिड गेम में जब हम बनाते हैं तो हम इसकी फास्ट डेवलपमेंट करते हैं और टेस्टिंग भी फास्ट, क्योंकि हाइब्रिड कैजुअल ऐसी मार्केट है कि बहुत जल्दी इवॉल्व होती है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स का टाइम होता है जिसमें मार्केट ही चेंज हो जाती है, तो आपने जल्दी से बनानी होती है गेम और उसको टेस्टिंग करते हैं मार्केट में, और वो बस ये कि आपने कोर कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्लियर सेटिस्फाई फीलिंग आए और आप उसको करो। थोड़े थोड़े टेक्निकल टर्म्स में बता दूँगा, ये ऐसी चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में आना इनको आपने देखना चाहिए और इस थोड़ा पड़ता है, जो कि ज़्यादातर आपको ज़्यादातर पता नहीं होता जब तक आप इंडस्ट्री पे ना हो। तो मेरा क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम हो गया था तो मैंने कहा लोगों को थोड़ा एक्सपोज इस पर भी करते हैं, तो इसमें ये होता है कि जब आप एक गेम बनाते हो ना हाइपर कैजुअल की, आप उसको या कोई भी गेम बनाते हो आप उसकी आप देखते हैं सबसे पहले CPI, मतलब कि कॉस्ट पर इंस्टॉल क्या होगी इसकी, जो कि होता है कि एक जो मार्केटिंग करने वाला पब्लिशर होता है उसको कितने पैसे लगेंगे नए यूजर्स लगाने में, वो कॉस्ट हमने देखनी होती है कि अगर बहुत हाई होगी कॉस्ट या इतना ज़्यादा पैसा लगा के सिर्फ एक बंदे ने इंस्टॉल की है तो फिर वो हम गेम को नहीं कंसिडर करते, तो लो हम चाहते हैं कि लो रहे। फिर रिटेंशन होती है day 1 day 7 की, हम देख सकते हैं कि day 1 में फॉर एग्जांपल कितने बंदे वापस आए हैं वो गेम खेलने, एक दफ़ा खेलिए वापस आए हैं कि नहीं आए खेलने सेम डे में, उससे पता चल जाता है कि यार इंटरेस्टिंग गेम बनी है कि नहीं बनी। फिर एक और टेस्ट होता है CTR का, जो आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाते हो, वीडियो लगा लो फॉर एग्जांपल, तो आप वो देखते हो कि एक बंदे ने वो वीडियो देखी है उसको ऐड को क्लिक किया है उसने या ऐड देके चला गया आगे, तो वो थोड़ा पता चल जाता है कि यार ये इंटरेस्टिंग गेम है कि नहीं, तो फिर उसके थ्रू हम फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलो तो ये तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होगी, अब ये बात है कि ये हम ऐसे गेम डेवलपर लाइफ कैसी होती है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यार मैं अगर गेम डेवलपिंग में फील्ड में जाऊँ तो मुझे मज़ा आएगा कि कैसा होगा, कि बहुत काम होगा या बोर हो जाऊँगा, तो इसमें सबसे जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए थी और प्रीशो जो गेमर्स होते हैं और जो हल्का सा मूड होता है गेम्स की तरफ बनाने की तरफ, वो ये चाहेगा कि यार जो मैं बनाऊँ वो मैं खेल सकता हूँ, तो ये एक बड़ी सेटिस्फाइड फीलिंग आती है कि यार ये गेम मैंने बनाई और मैं खुद खेल रहा हूँ, तो फिर वो एक उसकी फीलिंग काफ़ी अच्छी आती है। और फिर ये होता है कि आप क्रिएटिवली आप एक्सप्रेस कर सकते हो बड़े डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर आप आइडियाज़ में हो या मेरे पास काफ़ी अच्छे गेम आइडियाज़ हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी आइडियाज़ में एक्सप्रेस कर सकते हो, या ये मैंने गेम्स बनाई इस तरह, तो आप पिच कर सकते हो, और जैसे यहाँ पर भी मैं आइडियाज़ भी पिच करता हूँ कि यार मुझे ना ऐसी गेम खेलने का मूड हो रहा है ये बना सकते हैं हम, फिर हम उनको डिस्कस कर सकते हैं हाँ ये बना सकते हैं ये नहीं बना सकते, तो बड़ा वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। फिर यह है कि आप अपनी क्रिएटिविटी मैकेनिक्स में कर सकते हो, डिज़ाइन में लेवल डिज़ाइन में कि ऐसे लेवल बनेगा इसमें ये स्ट्रेटेजी आएगी, और फिर गेम आर्ट में भी आप विजुअली क्रिएटिव पर्सन हो तो आप विजुअली भी उसमें कर सकते हो, तो इसमें बड़ी डिफरेंट तरीकों से ना आप अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हो गेम,
और इसमें ये होता है, आप इस फील्ड में ये है कि आप ना लर्निंग होती रहती है. आप फॉर एग्जांपल एक किस्म की गेम बनाते हो, फर्स्ट पर्सन शूटर बना ली आपने, फिर आपने यहाँ पे क्रेजल बना ली, फिर आपने डिफरेंट मैकेनिक्स की बना ली, एक रनर बना ली, एक पजल बना ली. तो आप डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट लर्निंग आपकी रहती है और आपको करनी भी पड़ती है. आपको ये इस फील्ड में थोड़ा फास्ट पेस रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, आगे क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको साथ आपने वो लर्न करना पड़ता है. इसमें यह है कि आप ये नहीं सिंपली कि आप आओ और काम करके वही काम करते रहो, महीने 2-3 महीने साल लगा के वही काम करते रहो, तो आप वो पीछे रह जाओगे. तो आपने कीपअप करना रहता है. एक जो पैशनेट बंदा होता है वही चाहता है कि मैं आगे लर्न करता रहूँ, तो इसमें आपको वो मिलता है. फिर जैसे सर इरफान ने बताया था कि ये करियर वाइज काफ़ी रिजिलियंट पोजिशन है गेम डेवलपर. इवन दो काफ़ी अनफॉर्चुनेटली सर्कमस्टेंस आए जिसमें लोगों को काफ़ी जगहों से जॉब उनकी ख़त्म होनी पड़ी. इसमें इसमें यह है कि ये हमने पूरे वर्ल्ड वाइड देखा है, इवन पाकिस्तान में भी, कि ये बूम हुआ है इसका कोविड टाइम्स में ना. गेम डेवलपर का गेम ज़्यादा खेली गई हैं, गेम ज़्यादा इंस्टॉल हुई हैं, डेवलपर्स के ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी है इसी वजह से. तो ये काफ़ी रिजिलियंट वो है एक पोजीशन. और ये ऐसा ऑनलाइन ऑनलाइन काम है जो आप एक हद तक काफी, क्योंकि कंप्यूटर पे तो आप वर्क फ्रॉम होम भी उतना हो सकता है. तो इसका इसका जो फ्यूचर है ना वो भी काफी अच्छा है. जैसे आप ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो 2021 में 2.8 बिलियन थे, और इस प्रोजेक्शन के थ्रू नेक्स्ट 2 years में 3 बिलियन से भी ऊपर हो जाएंगे. तो ये नहीं है कि ये कोई इसके स्कोप पे कम हो रहे हैं या प्लेयर्स कम हो जाएंगे या वो इसकी डिमांड इंक्रीज ही हो रही है, जैसा आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से. तो इसकी काफ़ी ग्लोबली भी काफ़ी डिमांड है प्लेयर्स की. दैट्स द एंड फ्रॉम आवर साइड. एनी क्वेश्चंस? अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन हो या सर इरफान से. अच्छा, हम छोटी छोटी बातें, बेसिक चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। पहला तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने जो AAA गेम्स खेली हैं वो सारी अनरियल इंजन में डेवलप हुई हैं। तो अगर आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो क्या आपको यूनिटी और अनरियल इंजन में से किसी एक को चूज करना होगा? नहीं, इसमें इसमें प्रेफरेंस की बात है ज़्यादातर. अगर तो हाई एंड की बात करें जैसे AAA गेम्स आप कह रहे हैं, अनरियल का ये है कि वो ग्राफिकली जो आउटपुट देता है ना वो काफ़ी अच्छी उसकी उस लेवल तक देता है, इसलिए आप AAA की गेम्स बनती है. लेकिन इवन इवन जैसे इन्होंने ये मैंशन किया यूनिटी, ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम, ये भी AAA गेम है, ये भी यूनिटी पे बनी है. इसी तरह और गेम्स हैं जैसे हर्थस्टोन आए थे, वो भी इस पे भी बनी है. तो एक 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 हद तक प्रेफरेंस की भी बात आ जाती है कि आप क्या प्रेफर करते हो, किस अच्छा, इंजन में जाना. अगर आपके पास आइडियाज हैं, आपको लैंग्वेज भी आती है, आप डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्ट नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट गेम का करने के लिए आर्टिस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। देखें, डिपेंड करता है किस स्केल की गेम्स पर बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक तो ये कि आप ऐसे स्टोर से काफ़ी आर्ट एसेट्स मिल जाते हैं अगर इंडिपेंडेंट उस पर आप बात करते हैं. फिर अगर आप हाइपर कैजुअल की गेम्स में जाएं तो उसमें आर्ट आर्ट आप मिनिमाइज, क्योंकि वो मिनिमल इफेक्ट होता है उसमें, आप मिनिमल चीज़ें यूज कर सकते हैं और वही चलता है, तो उसमें आपको इतनी आर्ट की जरूरत नहीं होती. अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप थोड़े बहुत एसेट्स लेके ऐसे स्टोर से आप बना सकते हैं. हाँ जी, ऑफ कोर्स, अगर अगर आपने कोई बहुत कैजुअल गेम जानी है या इंटेंस आर्ट में चाहिए, तो परफेक्ट अच्छे रिजल्ट के लिए आर्टिस्ट आई थिंक काफ़ी ज़रूरी होता है. अच्छा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो डेस्कटॉप गेमिंग में है, लेकिन मार्केट ट्रेंड ये बताता है कि मोबाइल गेम्स को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो शुड आई फॉलो माय पर्सनल व्यू और शुड आई फॉलो द मार्केट ट्रेंड? हाँ जी, आप यही कह रहे हैं, पीसी की गेम्स का स्कोप पाकिस्तान में अगर है तो बहुत कम है.
इंडस्ट्री लेवल वाइज जाएं या जॉब के लेवल पे जाएं तो आई डोंट सी के कोई पीसी में वो है. इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आप बनाएं तो आप स्टीम वगैरह पे अपलोड कर सकते हैं, पर वो यही बात है कि इंडिपेंडेंट काम है, वैसे इसका स्कोप अभी कम ही है पीसी जमीन का. अच्छा, जो ब्लेंडर है वो यूनिटी का कंपेटिटर है या दोनों को मिला कंबाइनली यूज किया जा सकता है? नहीं, जो ब्लेंडर है वो तो 3D सॉफ्ट वो है ना, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, उस पर उससे आप बेसिकली 3D मॉडल्स बना के आप यूनिटी पे इंपोर्ट कर सकते हो, फिर यूज कर सकते हो. जैसे अगर प्लेयर लेना है तो प्लेयर आप ब्लेंडर पे बना लो और फिर उसको कर लो. तो ब्लेंडर के लिए हम भी अपनी इंडस्ट्री में इधर जो डिजाइनर्स हैं हमारे वो ब्लेंडर यूज करते हैं. अच्छा अच्छा लास्ट पॉइंट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बात की थी PS4 की और Xbox One की, तो इसका मतलब ये है कि यूनिटी जो है वो फिर PS5 और Xbox X Series के लिए भी एप्लीकेबल यानी होगी सपोर्टिव? हाँ जी, फॉर श्योर ये तो करेंगे वो लोग. आई एम नॉट श्योर अभी वो आया है उनका कि नहीं, लेकिन वो तो फॉर श्योर. सही, थैंक यू. Any more questions? छोटे मोटे. सर, मैं लास्ट तकरीबन 1.5 साल से यूनिटी पे काम कर रहा हूँ ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीरियड. तो सर, मुझे ये इसके प्रोज एंड कॉन्स का जानना था, यूनिटी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं? यूनिटी के प्रोज एंड कॉन्स, आप किस लेवल की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट देख सकता हूँ कि आप इसमें बड़े जल्दी सीख सकते हो रिलेटिव टू अदर वो चीज़ें, और काफ़ी फ्लेक्सिबल है ये आप, और इसमें आप प्रोटोटाइपिंग बहुत जल्दी कर सकते हो गेम्स की. यू नो, जल्दी से आप एक छोटा सा आइडिया ले आओ, जल्दी से बना लो, टेस्ट कर लो कि यार चलते कि नहीं चलता, आपको पता चल जाएगा. थिंक वो एक काफ़ी अच्छा इसका प्रो है. कॉन्स की तरफ जाएं तो कॉन्स का ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे अनरियल इंजन ज़्यादातर मशहूर इसलिए ये है कि उसके ना ग्राफिक वाइज काफ़ी अच्छा है वो कैपेबिलिटीज. यूनिटी की उस लेवल तक अगर आप कहें तो नहीं, पर जिस लेवल पे जिस लेवल पे ज़्यादातर पाकिस्तान में काम होता है उसके लिए यूनिटी इज़ परफेक्ट. ओके सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन था सर, यूनिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, यानी कि अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए शुरू से क्या स्टार्ट करे, कैसे बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होना चाहिए यूनिटी में? लाइक प्रोग्रामिंग वाइज बेस्ट प्रैक्टिस के यस सर, प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग ऐसे ही शार्प सर. हालांकि सी सब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर प्रिंसिपल्स आपको आने चाहिए कि वो क्या होते हैं. तो यूनिटी का ये कि आपको, क्योंकि उस यूनिटी जो जिसका बना हुआ है वो है बेसिकली एंटिटी कंपोनेंट सिस्टम, उसके अलग अलग हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ना अलग से कंपोनेंट्स लगे होते हैं. तो बेस्ट प्रैक्टिस आई फील कि आप उस तरह डिज़ाइन गेम करें थोड़ा हट के ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग की, कि आप ऐसा कंपोनेंट्स होते हैं कि एक ये कंपोनेंट है तो एक ये ऑब्जेक्ट है उसका एक कंपोनेंट लगेगा. जैसे हेल्थ होगी तो आप उसका हेल्थ का सिस्टम लेदर से बना के वो आप लगा सकते हैं किसी पे, तो उसको थोड़ा कंपोनेंट वाइज अगर सोचा जाए ना प्रोग्रामिंग का, तो फिर वो काफ़ी अच्छा एप्लीकेबल हो जाता है यूनिटी पे आई थिंक. जी, अगर नुमान मंच का आपको कोई क्वेश्चन है तो. यस सर, सर जी मैं अभी ना ऐप डेवलपमेंट सीख रहा हूँ एंड्रॉयड की, मतलब अभी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ. तो मतलब आप ये सेशन वगैरह सुनने के बाद, तो मतलब इस गेमिंग की फील्ड में क्या ऐसी चीज मतलब है जो मुझे वो फील्ड छोड़ के इधर आना चाहिए? भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक है कि आपका पैशन किस में है.
अगर आपका है पैशन गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंस काफ़ी चीज़ है कि आपका पैशन हो गेमिंग में, क्योंकि प्रोग्रामिंग जैसे तो आप कहीं भी कर लेते हो, आप वो सेटिस्फाइंग फीलिंग आ जाती है आपको अपने आप करने। इन गेमिंग के लिए आपको प्रोग्रामिंग के साथ आपकी गेमिंग का इंटरेस्ट होना भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अब तो अगर आपका है गेमिंग का इंटरेस्ट, आप खेलते हैं गेम्स वगैरह, तो आपको डेफिनेटली गेम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा। गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और गेमिंग डेवलपमेंट में आई थिंक ज़्यादा फर्क यही है। अगर करियर वाइज सोचें तो आई ऑल्सो थिंक के जो अपॉर्चुनिटीज गेमिंग में आजकल ज़्यादा हैं देन ऐप में, और उसकी आई 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 फील के पे भी ज़्यादा है। जी अब्दुल रहमान पूछ लें पहले। अलैकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये, गेमिंग में मेन अर्निंग किसकी किस तरीके से होती है एड्स के अलावा से? अच्छा, ज़्यादातर जो हाइपर कैजुअल गेम्स हैं उसमें ज़्यादातर एड्स के ही थ्रू होती है। बहुत कम गेम्स हाइपर कैजुअल में ऐसी हैं जो इन ऐप परचेजेस के थ्रू भी होती हैं, लेकिन बाकी जो जॉनर्स हैं उसमें ज़्यादा इन ऐप परचेजेस भी बहुत होती हैं, और वो भी मेजोरिटी काफ़ी बड़ा चंक होता है। इन ऐप परचेजेस बेसिकली होता है कि आप के इन गेम करेंसी होती है, फॉर एग्जांपल उन्होंने जेम्स डाल दिए या गोल्ड पॉइंट्स डाल दिए, तो आप वो खरीदते हो और वो उससे अर्निंग होती है। और फिर ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये भी होता है कि एड्स को ख़त्म करने के लिए आप कहते हो कि मैं पूरी गेम खरीद लूँ, तो एड्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं और आप वो गेम एड्स के सवाल मिल जाती है। होती है और अब्दुल हमीद भाई। यस सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था इंटेक स्टूडियोज के हवाले से। सर इंटर्नशिप की जैसे सर इरफान साहब ने बात की और आपने कि इंटर्नशिप आप ऑफर कर रहे हैं, सर इसका ड्यूरेशन क्या होगी और सर इंटर्नशिप पेड होगी या अनपेड होगी? ये आपको सर इरफान थोड़ा आप बताते हैं। जी अब्दुल हमीद, जी अब्दुल हमीद जी, इस पे जो इंटर्नशिप के लिए आपको मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप मैम फसीहा से मतलब बात कर सकते हो उस पे डेफिनेटली कि हम जो एज अ स्टूडियो हमारा इंटरेस्ट है कि यार रिसोर्स कितना अच्छा है, ठीक है ना। वो बिल्कुल आपका हम एक इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू के मुताबिक हम आपको जज करेंगे। सर आप कह रहे हो कि आपने ऑलरेडी यूनिटी पे कुछ 1.5 साल से काम कर रहे हो, तो माइट बी आपको हम मतलब अगर आपको इंटरव्यू पास करते हो, आपको हम देखते हैं कि भाई कैपेबल हो कि आप एक लाइफ प्रोजेक्ट पे आ सकते हो, तो डेफिनेटली वो पेड इंटर्नशिप होगी आपकी। और उस पर डिपेंड करता है कि गेम के कितनी अवेलेबिलिटी है आपकी और आप किस सेमेस्टर में हो और आपका कितना रह गया, तो उसके अकॉर्डिंगली अगेन वो इंटरव्यू के बाद भी हम जज कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो आप जरूर मैम फसिया से तरफ आप रब्ता करो, तो वो आपको कॉन्टेक्ट करवा देंगे हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू। मैं मैम से रब्ता कर लूंगा क्लास में। वेलकम। जी जी शाहिद, आपको कुछ बात। हाँ जी, अच्छा मैं इसमें ये बात आपसे पूछना चाह रहा था कि चाहे आपकी गेम्स हो या दूसरे सॉफ्टवेयर की भी बात करें, तो आपको हर किस्म का सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक 50 रुपीज़ की डीवीडी में मिल जाता है। इसी तरह मोबाइल पे आपकी जितनी गेम्स हैं वो आपको फ्री अवेलेबल हैं। तो फिर क्या पाकिस्तान में इस चीज़ का स्कोप है कि आप इसको सेल कर सकें, अपनी यानी गेम बना के सेल कर सकें, और क्या एजुकेशनल गेम्स का स्कोप है पाकिस्तान में? जी, पहला सवाल के लिए जी स्कोप है। जैसे इधर हम ओरिजिनल आइडियाज पे भी काम करते हैं, ओरिजिनल आइडियाज, बल्कि जितने मैंने किए हैं काम अभी तक वो ओरिजिनल आइडियाज हैं अपने। हम इन हाउस आइडियाज बना के उनको हमने पब्लिश टेस्ट करवाया है, तो वो हो जाता है। फिर आपका जो दूसरा सवाल था कि बेचने का, वो भी किया जा सकता है। आपके पास अगर कोई आइडियाज हैं गेम्स के तो आप इवन सर इरफान से रब्ता कर सकते हैं आइडियाज वगैरह का, तो वो भी होता है, वो भी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, मैंने आपकी वेबसाइट तो देख ली है, तो कोई अगर आप ईमेल शेयर कर देना जिस पर रब्ता किया जा सके। हाँ जी,
जी सर, स्पेशल सब मैम फसिया आपको प्रोवाइड कर देंगी, मैं उनको ईमेल दे दूंगा तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगी। और बेसिकली जिस तरह ने बात की आइडियाज की, तो जिस तरह हाइपर कैजुअल गेम्स का कुछ आपको इंट्रो दिया है दने, इसका मैं रिकमेंड करूंगा अगर कुछ लोग आइडियाज सोचना चाहते हैं तो उधर हाइपर कैजुअल की दफा पढ़िएगा, उसमें से गूगल कीजिएगा हाइपर कैजुअल है क्या, वो गेम्स जो है जो टॉप पब्लिशर है वो डो कैचअप और उनकी खेलेंगे, तो बेसिकली उन तरह के जो नए आइडियाज फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिक आइडिया किसी स्टूडेंट दे रहा है तो इनफैक्ट अगर हम वो मतलब प्रूव कर लेते हैं तो डेफिनेटली उस पर भी हम कुछ उस पर दे सकते हैं मतलब आइडिएशन का। तो बिल्कुल सर आप मैम फसिया से कर लीजिएगा, मैं उनसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। जी किसी और का सवाल हो तो काइंडली बताइएगा। जी हाफिज मोहम्मद हमाद। सर मैंने रिसर्च की थी एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, गेम डिजाइन गेम डेवलपमेंट, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा स्टूडियो है जो पीसी गेम्स कर रहा हो? जी पीसी, बिल्कुल पीसी गेम्स, जिस तरह जो मैं जानता हूँ पर्सनली फ्रैग गेम्स एक है, ये पीसी गेम्स मतलब कंसोल गेम्स टाइप कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा जिनाई टीम है वो भी कर रहा है, और इसके अलावा आई गेस गेमिनेटर, मतलब पाकिस्तान में भी हैं ऐसे स्टूडियोज जो कि कंसोल बेस्ड या जो बड़ी गेम्स इवन ट्रिपल ए का कोई मॉड्यूल बना रहे हैं तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और मैं बीच में सुन रहा था अनरियल की भी किसी ने बात की थी, तो अनरियल पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अनरियल की हमारे पास कह लें कि जो डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में बहुत कम है। अनरियल नो डाउट एक प्रोग्रामिंग ही है उसमें, और एक थोड़ा सा उसको टफ समझा जाता है और अक्सर लोग आते हैं हाथ डालते हैं और भाग जाते हैं, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं जिसने अनरियल में शिफ्ट होना है वो कम से कम पहले 2-3 साल का एक अच्छा एक्सपोजर ले यूनिटी का और फिर वो अनरियल में जाए। और अनरियल नो डाउट के यूज करते हैं लोग, लेकिन उसमें कुछ मतलब कह लें कि हाई एंड और उस पर आपको बड़े प्रोजेक्ट पे ज्यादा काम किया जाता है, नो डाउट यूनिटी भी सपोर्ट करता है। आई गेस आई आंसर योर क्वेश्चन। सर मेरा इंटरेस्ट है 2D प्लेटफॉर्म इंडी गेम्स में, तो बेसिकली आपका कंपनी ने 3D गेम्स को परस्यू करना चाहिए या 2D इंडी गेम एज अ यार जो आजकल ट्रेंड है जिस तरह हम हाइपर कैजुअल को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें तो 3D को ही हम रिकमेंड कर रहे हैं, 3D गेम्स मतलब ज्यादा मतलब मार्केट है, नो डाउट 2D गेम्स जो है वो शायद हाइपर कैजुअल में कहीं ना कहीं नहीं, 2D बेसिकली इंडी गेम्स, इंडी गेम इंडी डेवलपर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप खुद एक गेम डेवलपमेंट कर रहे हो। यस सर। हाँ बेसिकली इस पे भी मैं आपको कहूंगा कि आप 3D की तरफ ही जाओ, 2D की तरफ भी कर सकते हो लेकिन 3D पे ज्यादा स्कोप है, मार्केट में जो जॉब्स हैं और जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज हैं वो 3D में ज्यादा डिमांड करते हैं। इवन 3D डेवलपर मतलब 3D में करे और डिजाइनर भी 3D मॉडलर और उसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सर बेसिकली वो मैं पीसी और एंड्रॉइड में है, एंड्रॉइड में जो प्ले स्टोर पे मोस्टली गेम्स है मोस्टली क्लोन्स हैं और रीयूज हैं, प्रीफैब्स रीयूज किए हुए हैं और कंट्रोलर यूज करते हैं ऐसे स्टोर से प्रीफैब डाउनलोड करके गेम तैयार, घंटे में गेम तैयार। तो सर अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है कि इस बारे में रीयूज प्रीफैब? बेसिकली रीयूज प्रीफैब, अब ये जो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ये वाला ट्रेंड जो कह रहे हो क्लोनिंग वाला, ये ट्रेंड था अभी भी है, मतलब बैक इन 2018 एक गूगल ने बहुत सारे मतलब इंडी डेवलपर्स के वर्ल्ड वाइड अकाउंट टर्मिनेट किए थे जिसमें इवन हमारा भी थे 2-3 अकाउंट्स, और वो टर्मिनेट करने की वजह भी यही थी उनकी कि वो करना चाहते थे कि जो क्लोनिंग वगैरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल बंदे ने गेम बनाई, हाँ हैदर ने बनाई और मैंने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके नाम चेंज करके डाल दिया, ठीक है उसकी यूजर बेस मुझे मिल गई, तो ये एक बहुत मतलब मैं इसको डिस्करेज करूंगा, ये ट्रेंड इतना अच्छा नहीं है। और ये अगर फॉर एग्जाम्पल अपने गूगल अकाउंट बना के ये ट्रेंड शुरू करते हो, आपको कुछ अर्निंग शुरू होती है थ्रू एड्स, तो वो आपका अकाउंट रिस्क पे है, मतलब कोई इस पे आपको रिलायबिलिटी नहीं है, कब गूगल बंद कर दे कि भैया वायलेट कर रहे हो, कल आपकी गेम सस्पेंड कर दे। तो बाकी जो रीयूजबिलिटी है वो उस केस में होती कर सकते हैं, लेकिन रीयूजबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आप रीयूजबिलिटी जो आपका कोड है वो रीयूजेबल हो, ठीक है ना, जैसे आपने एक गेम में कोई आपने एक स्टोर बनाया कुछ बाय करने का, वो आप मल्टीपल गेम पे यूज कर सकते हैं, जैसे खुद खुद कोड एक क्रिएट के स्क्रिप्ट क्रिएट की है तो आपने इस तरह से क्रिएट कर ली कि आपको बाद में पता हो क्या यूज करना है, इसकी स्पीड मूवमेंट वगैरह एक्स्ट्रा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो अब जो मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी स्टोर से जो पूरे पूरे स्टैंडर्ड ऐसे डाउनलोड करते हैं।
वो आप कर सकते हो, हाँ वो आप कर सकते हो। और इसमें बेसिकली हाइपर कैजुअल गेम जिस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब इस पे एक फास्ट प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है ऐसे, ठीक है। इसमें कोई कंट्रोल मतलब आपका कोई टैप टैप होता है या राइट लेफ्ट होता है या ड्रैगिंग होता है या स्लाइडिंग होता है, तो ये एक पूरी प्रोटोटाइप प्लेबल प्रोटोटाइप 5 डेज में रेडी होती ही, इसलिए कि इसमें रीयूजेबिलिटी बहुत आ जाती है। कुछ चीजें आप इस स्टोर से फ्री ले रहे होते हो, कुछ बाई कर रहे होते हो, कुछ जो कस्टमाइज होती है हमारे डिजाइनर उसको डिजाइन कर रहे होते हैं, और जो यूआई होती है वो भी हम रीयूज कर रहे होते हैं, ठीक है। Yes, sir, वो मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने जो अपनी रिसर्च की उसमें उन्होंने कहा कि पीसी गेम्स का पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, यानी अगर आप डेवलपर हो उसके इंडी गेम्स के तो उससे ज्यादा एंड्रॉइड को प्रेफर करते हैं क्योंकि गेम जल्दी बन जाती है और जल्दी अर्निंग। असल में ये जो पीसी गेम्स है ना उसमें बेसिकली अगेन वही बात है कि कुछ स्टूडियोज हैं, लेकिन वही बात है ना कि उस कैलिपर की जो वो गेम बना रहे हैं वो अगर आपको इंटर्नशिप देते हैं आप उस पे कितना पिक कर लोगे, क्योंकि उस पे जो पीसी गेम पे काम कर रहे होते हैं ज्यादातर वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, 5 साल 10 साल। तो ये है, तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर पीसी गेम्स का आपको शौक नहीं है और सिर्फ यूनिटी का शौक है तो आप पीसी गेम की तरफ जा भी क्यों रहे हो, आप मोबाइल गेम्स की तरफ हो, क्योंकि फ्यूचर तो मोबाइल का है, इसी में आपका आगे एआर वीआर भी इसमें कवर हो रहे हैं। पीसी गेम्स का नो डाउट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो पीसी प्लेयर्स हैं जो आपके ये कंसोल बेस हैं ये भी कह लो कि अगले मतलब कुछ 10-15 सालों में टोटली शिफ्ट हो चुके होंगे आपके मोबाइल पे, क्योंकि एक आप इसको लेके कहीं भी जा सकते हो और आपका एक इतनी एक फास्ट मतलब कह लो कि जो पूरे का पूरा कंप्यूटर आज से कोई 5 साल पहले था वो आपका मोबाइल में आपके पास है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मोबाइल की तरफ ही आओ यूनिटी में गेम्स। सर अगर हमें अपनी यानी गेम्स के लिए स्प्राइट्स और उसके लिए हमें ब्लेंडर और एडोब की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? जी ये हैदर आप बता दो टेक्निकल ले थोड़ा। जी बेसिक तो आई थिंक आपको ऐसे डेवलपर आने चाहिए, थोड़े बहुत चीजें आप खुद कर सकते हैं, जितना आप ना थोड़े बहुत कर लें तो बेहतर है। थिंक ऑफ कोर्स एक्सट्रीम आप फुल उसको वो ना करें परफेक्शन की तरफ या मास्टर, पर थोड़े बहुत आने चाहिए थिंक। As a individual, यानी code और level design की तरफ ज़्यादा focus होना चाहिए। हाँ जी, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि यार 3D model बनता कैसे है, उसके ऊपर क्या लगता है, texture वगैरह, material वगैरह, क्योंकि ये चीज़ आपको Unity में भी करनी पड़ती है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आपको kindly बता देंगे कि individual के लिए यानी market में अगर हम job के लिए कल को apply करते हैं तो हमें basic क्या क्या होना चाहिए, जैसे level design and machine, उसके बाद कट सीन्स हो गए और एक्टिवेशन वगैरह एक्स्ट्रा, इस तरह की कौन कौन सी चीज़ें जो मार्केट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब के लिए हायर के लिए? आप सॉफ्टवेयर की तरह बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं आप, सॉफ्टवेयर पूछ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कौन से ज़्यादा होंगे इस आर्ट साइड? नहीं नहीं, आपको यूनिटी में किस किस चीज़ पर कमांड होनी चाहिए और उसके अलावा यूनिटी के अलावा किस किस चीज़? हाँ जी, यूनिटी में आपको ऑफकोर्स स्क्रिप्टिंग का तो वो होना ही चाहिए, इंटरफेस और सारा आना चाहिए, आपको एनिमेशन का भी पता होना चाहिए क्योंकि वो ये क्योंकि ये चीज़ें सारी यूनिटी डेवलपर ही करता है, एनिमेशन को सेट करना, एनिमेशन से थोड़ी बहुत एडजस्टिंग करना, उनकी लेयर्स वगैरह बनाना, ये भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। इवन मॉडलिंग का भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि उसके उसके ऊपर जो भी टेक्सचरिंग कैसे की जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप जब आप इंडस्ट्री में स्पेशली इस तरह जाते हैं तो आपको आर्टिस्ट के साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार आप क्या कहना चाहते हो, तो उसकी टर्मिनोलॉजी भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिटी डेवलपर, क्योंकि ज़्यादातर यूनिटी प्रोग्रामर नहीं कहा जाता, यूनिटी डेवलपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के साथ साथ और चीज़ें भी कर रहा होता है साथ साथ। तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स इस तरह के पता हो तो बेहतर। सर क्या आप डिस्क्राइब करेंगे यूनिटी डिजाइनर वर्सेस यूनिटी डेवलपर? अगर आप डिजाइनिंग आर्ट साइड कह रहे हैं कि आर्ट या अगर लेवल डिजाइनिंग या उस गेम डिजाइनिंग की बात, आर्ट के अलावा वो तो ग्राफिक्स में आ जाता है ना, उसके अलावा फिर बात करें। फिर आई वुड से पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा वो डिफरेंस नहीं है इसमें गेम डिजाइनर और गेम डेवलपमेंट, जिस लेवल पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे ज्यादातर डिजाइनर उसको कहा जाता है जो आर्ट बना रहा होता है, आर्ट 3D का मॉडलिंग बना रहा होता है या
2D का स्प्राइट्स वगैरह बना रहा है तो उसको डिजाइनर कहा जाता है, हालांकि वो आर्टिस्ट है। लेकिन जॉब जॉब डिस्क्रिप्शंस में ज्यादातर डिजाइनर लिखा जाता है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं डिजाइनर, ऐसा गेम डिजाइनर, लेवल डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, वो इधर वो ऑलमोस्ट डेवलपर का ही काम होता है, अनलेस आप बहुत बड़ी गेम में काम कर रहे हो, जैसे बड़े बड़े स्केल पे आप लाइक 2-5-6 months का के गेम के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर हाँ उस प्रोजेक्ट में आप डिजाइनर डील पर। अच्छा, इस पे हाफिज साहब मैं भी एक आपको बता दूंगा, जो आपके गेम डिजाइनर है ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं हैदर, इस पे जो गेम डिजाइनर की तरफ जाने के लिए ना आपके पास कम से कम एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आर्किटेक्ट लेवल का यूनिटी में, ठीक है ना, फिर आप जाते हो गेम डिजाइनर की तरफ। और गेम डिजाइनर जो मतलब इंडस्ट्री में, मतलब यहाँ पे भी कुछ जगहों पे है, जिस तरह मेरे ख्याल से आपकी जो एक आपका माइंडस्टॉर्म स्टूडियो है वहां पे मेरे ख्याल से उनके पास गेम डिजाइनर हैं, लेकिन बाहर ये बहुत काम मिलते हैं। लेकिन इसको आप उस तरफ तभी जा सकते हो जब आप मतलब कह लो कि आप आर्किटेक्चर तक जानते हो और आप बेसिकली आपके खासा एक्सपीरियंस है, और मतलब आप पूरे का पूरा उसमें कुछ शेडर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। सर, आप ये लॉन्ग टर्म जॉब्स, लॉन्ग टर्म यूनिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका क्या क्या राय है, यानी अगले 10-20 साल में, अगर ये आप बिल्कुल इसको इस पे राय है। मैं आपका पॉइंट समझ गया कि अगर आप 10 आप यूनिटी अडॉप्ट करते हो तो आप कहते हो 10 साल तक मतलब क्या यूनिटी रहेगी तो मेरी जॉब रहेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि यूनिटी एक बहुत स्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे और भी आपके इसके कंपिटिटर आए लेकिन इसको कंपीट नहीं कर सके, ठीक है ना। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अभी भी आधे से ज्यादा गेमें दुनिया में जो बन रही है यूनिटी में ही बन रही है, शायद ज्यादा ही बन रही है। और जो आपकी रह जाती है कुछ मार्केट, ये अनरियल, जो अनरियल है इसकी बेसिकली आप कह लो कि कुछ 5%, या मैं कह लूँ अगर 5% भी ज्यादा है तो वो कुछ कंसोल बेस पे ही टारगेट कर रहे हैं, और या कुछ माइट भी जो बड़े बड़े आपके ये गेम्स हैं कंसोल की रिलीज होती हैं उन पे वो कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो मेरी अब एक फोरकास्ट कर सकता हूँ कि इसका स्कोप है, ये आगे जाके मेच्योर हो रही है। और इसमें अगर आप जॉब में आते हो, जैसा मैं आपको मतलब एज अ एम्प्लॉयर के उसे बताता हूँ कि एक अच्छा बंदा आजकल इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा, और डिमांड अच्छी है, जो कोई अच्छा होता है उसको कोई अच्छा स्टूडियो एक हायर कर लेता है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि अगले कुछ साल में इस पे काफी स्कोप मतलब आपका है, कि एक आपको जॉब सिक्योरिटी भी होगी कि मुझे एक टूल आता है और इस पे मैं मतलब मुख्य जो है वो कर सकता हूँ। और मोर ऑन कि आप जिस तरह मैंने बताया था कि मैं ऐसे भी मेरे जो कलीग्स थे या मेरे जूनियर थे जो कि बाहर कंपनी में मतलब सिलेक्ट हो गया, वहां वो जॉब कर रहे हैं, तो इवन सेम गोज फॉर यूनिटी। अगर ये भी आपको इस पे कमांड है, आप हाइपर कैजुअल गेम्स पे या सिमुलेशन गेम पे या ट्रिपल ए गेम पे जिसकी तरफ भी जाते हो, तो आपको ग्लोबली आपको रिकग्नाइज किया जाएगा और आपको एक अच्छे पे स्केल पे वहां के मतलब यहाँ के नहीं वहां के पे स्केल पे आपको जॉब मिलेगी। और सर, एज इंडिविजुअल, यानी आप खुद के लिए कर रहे हो? हाँ, अगर खुद के लिए कर रहे हो या तो उसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ग्रेजुएशन करते साथ ही खुद के लिए शुरू कर देते हो, उसको मैं डिस्करेज इसलिए करता हूँ कि मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम अपना भी स्टार्टअप करने के लिए या अपना एक फ्रीलांस काम करने के लिए भी आपको एक ज्वाइन करना चाहिए कोई ऑफिस, जहाँ पे आप एक ऑफिस एनवायरमेंट में प्रॉपर सीखो कि भाई किस तरह प्रोजेक्ट बन रहा है, किस तरह डिलीवर हो रहा है। तो हाँ, कुछ 4-5 साल गुजार के फिर आप अपना कर सकते हो, और अगर आप अपना करते हो तो उसमें आपको कमांड है, तो आपको फीवर वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आप वर्क के यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और उस पे लोग कर रहे हैं। और अगर आप कहते हो कि मैं अपनी गेम्स बना के सेल्फ पब्लिश करूँ, वो भी आप कर सकते हो, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह आपने मैं समझता हूँ कि जो भी ग्रेजुएट हो रहा है उसका एक होता है कि उसको जॉब करनी चाहिए शुरू से ही, मतलब फ्रीलांस मतलब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांस थी कि आपको टूल आ गया सब कुछ आ गया, लेकिन जो आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, जो एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में जा रहे हो, ठीक है, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो, डेडलाइन आप कर रहे हो, ठीक है, प्रेशर आप पे पड़ रहा है, ठीक है, तो एक आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो, ठीक है, एक एजाइल को फॉलो कर रहे हो, आप स्क्रम कर रहे हो डेली, तो वो चीजें मैं समझता हूँ कि आप ऑफिस में आके किसी ऑर्गेनाइजेशन में आके सीख सकते हो। और सर, और ये जो गेम के लिए हम सबसे पहले जैसे कागज पेंसिल पकड़ के स्टोरी स्टोरी राइट करते हैं, तो सर उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या रिकमेंड करेंगे आप? मूवीज देखना या फिर ऐसा कोई ऐसे इंस्पायरेशन? हाँ, इस पे हैदर आप इस पे देते हो आंसर, क्योंकि हैदर आइडियाज कुछ लिख रहे हैं आजकल ग्रेजुएट। जी सॉरी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर, गेम होती है ना बेसिकली,
गेम शुरू में सिर्फ प्लेयर और होता है और लेवल होता है, पर हर गेम के लिए एक स्टोरी चाहिए होती है। तो मैं पूछ रहा हूँ स्टोरी राइटिंग के लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? रिकमेंड किस लिहाज से राइटिंग से, लाइक यानी हमने न्यू आइडिया ड्रा करना है तो बेसिकली कई दफा बंदा गेम लेवल डिजाइन कर लेता है, करेक्टर भी बना लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर उसके पास स्टोरी नहीं होती यानी गेम को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, टू बी पर्सनली लाइक ऑनेस्ट, मैं स्टोरी वाली गेम्स का इतना वो हूं नहीं, मैं स्टोरी की तरफ वो ही होता है, हर गेम की स्टोरी होती है चाहे कोई भी गेम हो उसकी स्टोरी होती है। हाँ जी, यस यू आर राइट, वो जो आप निकाल सकते हो ना स्टोरी, वो ये है कि गेम प्ले के साथ मैच कर रही हो स्टोरी। मैं आपको इसलिए इतना अच्छा आंसर नहीं दे सकता क्योंकि मेरा माइंड इस तरह काम नहीं करता ना, स्टोरी वाइज मैं करता नहीं हूँ। लेकिन आप जो थीम की अगर बात करें कि वो करें, वो थीम आपको काफी हद तक गेम प्ले के साथ मैच करनी होती है कि यार गेम प्ले में ये अच्छा। इस पे मैं आपको सॉरी आपको एडमिन काट रहा हूँ। अच्छा, इस पे अभी साहब, इस पे जो आपका क्वेश्चन है मैं कुछ समझा हूँ। इस पे आप कह रहे हो कि आपने एक गेम बना ली, करेक्टर भी बना लिया, एक लेवल भी बना लिया, आप फर्दर लेवलिंग करनी है, उसका आपको पता नहीं चल रहा कैसे करनी है, ऐसे ही है? ऐसा स्टोरी नहीं पता चली कि उसको यानी स्टोरी होती है। हाँ, उसके लिए यार मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम करते हैं कंपनी में, हमारी प्रैक्टिस है कि जो भी हम नए आइडियाज बना रहे होते हैं तो वो हम खुद ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं और खुद सोच रहे होते हैं, और वो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ट्रेंड से। ट्रेंड्स क्या होते हैं, जो लेटेस्ट हिट गेम्स चल रही है ना आजकल टॉप चार्ट पे, वो हम देखते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ऐप है नहीं, आपकी एक सेंसर टावर है, एक टूल्स है, इस पे अकाउंट बनाओ तो आपको पता चल रहा होता है कि टॉप पे यूएस में कौन सी ट्रेंड पे है, ग्लोबली कौन सी ट्रेंड पे। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत सारी गेम्स खेलनी पड़ेंगी, ठीक है ना, अपने आपको यूज टू होना पड़ेगा। आपका जो एक थिंकिंग पावर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर वो आपको थोड़ी सी स्ट्रेच होगी आपकी, फिर आपके पास जब एक आइडिया सोचोगे तो मैं तो ये कहूंगा कि जब आप आइडिया सोचोगे उसकी गेम तब तक बनाना शुरू करो जब तक वो आइडिया आपके पास ऑन पेपर और उसकी आप अगले लेवल्स आपको पता ना चले। इस तरह तो हम एक आइडिया बना के शुरू कर दो बीच में जाकर अब मैं क्या करूँ, तो वो मेरे ख्याल से बेड प्रैक्टिस है। थैंक यू सर। थैंक यू। ये जी शाहिद साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इंटेक स्टूडियोज के प्लेटफॉर्म से अगर कोई मोबाइल गेम लॉन्च करते हैं जिसमें इन ऐप परचेजेज हैं या अदरवाइज डाटा स्टोर होना है, तो इसके लिए क्या आपके अपने सर्वर्स हैं या आप एक्सटर्नल कोई सोर्स यूज करते हैं? इसमें शायद सर बेसिकली अगर हम अपने कोई गेम लॉन्च करते हैं, बेसिकली दो तरह की गेम होती है, एक तो होती है जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जिसके सोल ओनर हम ही हैं, वो हम बेसिकली कह लें कि एक्सटर्नल सर्वर तो कुछ नहीं उस पे, मतलब ज्यादातर हमारे अगर कुछ एनालिटिक्स या कुछ संग चीजें हमें लगाई होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, फायरबेस की होती है उस पे, और उस पे हमें मतलब डेटा शो हो रहा होता है कि भाई इस पे रिटेंशन क्या आ रहा है, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कौन सा लेवल ज्यादा खेला जा रहा है, ये चीजें। और अगर वो गेम बेसिकली एक हमारी प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोजेक्ट है क्लाइंट बेस का, या उसमें हमारे कुछ शेयर्स हैं, तो उसमें सेम काम हम कर रहे होते हैं जो एक्सेस दोनों के पास होती है, क्लाइंट के पास भी हमारे पास। सही। अगर हम इंटरनल सर्वर पे चले जाएं तो वो चीज थोड़ी सी कह लें कि बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगी गेमिंग की उस पे। हाँ, वो मेक सेंस करती है अगर आप थोड़ी सी बड़े लेवल की गेम, जिस तरह मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को कह रहा था या जो आपकी पबजी वगैरह गेम्स हैं उसमें आप अपने सर्वर एक AWS का कुछ एक आप स्लॉट खरीद लेते हो और उसको आप कर रहे होते हो, लेकिन जो हम गेम्स बना रहे हैं अभी उनका इतना हम ज्यादा एक्सेस हमें चाहिए नहीं होती, कर सकते हैं हम, नो डाउट यूनिटी में वो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं कुछ आप सर्विसेज, या आप मल्टीप्लेयर की तरफ जब जाते हो तो माइट बी तब आपको यूज हो उसकी। ठीक है। ये हारिस साहब। यस सर। सर मेरा सवाल था कि यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज जैसे फॉर एग्जांपल रॉकस्टार होगी, ईए गेम्स होगी, ये यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में उनके अपने ऑफिस भी हैं और वो दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके टीम्स भी लेते लोगों की, तो इस तरह से हमारे पास होते हैं?
गुड क्वेश्चन यार, ये आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यार मतलब मैं कहूंगा कुछ हमारा पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी जो है, मतलब और जो फ्लक्चुएशन होती रहती है, आपकी कभी डॉलर बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ गया, कुछ ये रीजन भी है। लेकिन जो आईटी आपकी इंडस्ट्री है, खासतौर पर लाहौर का मैं कहूंगा कि ये बूम कर रही है, ठीक है। और इसमें ये कि आपका अगर मैं ये कहूँ कि मतलब यहाँ पे नहीं आ रही या वहां पे है, तो यहाँ पे इनफैक्ट जिस तरह बताया था आपको हैदर ने, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि ये रॉलिक पब्लिशर है, तुर्की बेस्ड, ठीक है। जिंगा एक कंपनी है, माइट बी सुनो आप लोगों ने, यूएस बेस्ड कंपनी है गेम की, इसने रॉलिक को अक्वायर किया हुआ है कोई 1.80 मिलियन डॉलर का, ठीक है, 80% के शेयर, तो उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। मतलब वी आर द वन पाकिस्तानी स्टूडियो जो के मतलब रॉलिक के साथ काम कर रहा है, ठीक है, वरना रॉलिक जो है वो तुर्किश स्टूडियोज के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली मतलब ये कह रहे हैं जो एटमोसफेयर और इकोसिस्टम ये हमें डेवलप करना है, ठीक है, हमें अच्छा काम करना है जिसमें आप सब स्टूडेंट्स जो जाता है कि अच्छा काम करे, अगला रिकग्नाइज करे आपको काम को, तो वाई नॉट। ओके सर, थैंक यू जी। अब्दुल रहमान, अच्छा आई गेस किसी और का कोई क्वेश्चन हो। जी दिलावर नदीम, थैंक यू सो मच सर। इरफान सलीम, इट वाज अ रियली गुड हैविंग यू एंड इट वाज प्लेजर, थैंक यू सो मच। Now, before concluding today's session, I would like to hand over to Industry Liaison Committee Chair Dr. Aisha Khan. Ma'am, please take over and thank you so much for your time, guys. You're welcome. Thank you. Ji, Assalamu Alaikum. Thank you, Heather and Irfan, for answering these questions. They kind of got very extensive. बिकॉज आई थिंक ए गेम डिवेलपमेंट में ये जो जिस एज ग्रुप में ये बच्चे होते हैं, दे आर वेरी यू नो इंटरेस्टेड इन, बिकॉज दे डू प्ले द गेम्स अ लॉट, सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग इन डिवेलपिंग देम। और इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेयर इरफान टू हैव यू ओवर, सेम हियर, एंड यू नो यू ऑलवेज गिव अस योर प्रेशियस टाइम एंड यू नो यू टॉक टू आवर स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस session would have motivated many students, and you've answered their questions extensively. Thank you so much for that. Time se bhi shayad hamara upar ho gaya, and because exactly. Definitely they were interested. So again, hopefully we'll you know we'll continue having these kinds of sessions with you. Mere khayal se jo Numan saab hain wo to is waqt chale gaye hain, but again thank you to him as well. So this concludes this webinar. So thank you all for attending. We hope ki aapne learn kiya ho, students, and you've enjoyed the presentation. I've learned myself a lot. So thank you very much, ma'am. Thank you. It's a pleasure talking to you guys. Thank you so much, Irfan. Thank you very much. And thank you, Ubaid and Fasiha, for arranging such a great event. It has been a successful event. MashaAllah. Thank you, ma'am. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.